हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट विद रितु चौधरी पर। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो हमारा फर्स्ट मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ेंगे आज की क्लास में हम। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड के बेटा और भी नाम है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। देखिए ये सारे नाम आपको याद रखने हैं कि हम SLM को और भी किस नाम से बुलाते हैं, कि कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए हमें इनमें से कोई नाम दे दिया जाता है और बच्चा ये सोचने लग जाते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। इसलिए बेटा आपको ये चारों नाम याद रखने हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड को हम किस किस नाम से बुलाते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। देखिए नाम से ही फिक्स्ड है बेटा, स्ट्रेट लगातार, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इक्वल यानी कि सेम रहेगा, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड यानी कि डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। तो इसके नाम से ही हमें इसका मीनिंग पता चलता है कि अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द स्क्रैप वैल्यू फ्रॉम द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स एंड देन बाय डिवाइडिंग द रिमेनिंग बैलेंस बाय द नंबर ऑफ ईयर्स इट्स एस्टिमेटेड लाइफ। देखिए हमने कल भी ये पढ़ा था कि हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। पहले तो बेटा हम क्या लेते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स लेते हैं, उसमें से अगर कोई उसकी स्क्रैप वैल्यू होती है तो उसको क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। और बाद में हमारा जो एस्टिमेटेड ईयर रहता है कि कितने साल तक हमारी मशीन चलेगी, उससे हम क्या कर देते हैं, उसको बेटा डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अगर कोई हो तो, और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स। ठीक है, SLM के अंदर हम कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स। इसके अंदर बेटा क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड होता है ना, इसके अंदर हम उसकी वैल्यू जीरो कर सकते हैं क्योंकि इक्वल होता है हमारा ये डेप्रिसिएशन। तो हमारा जो हो जाएगा, रिड्यूस द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स टू जीरो। SLM के हम क्या कर सकते हैं, एसेट्स की वैल्यू आखिर में जाके हम जीरो पर ले जाकर रख सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन दिया बेटा किसी एसेट्स की, मान लीजिए आपने मशीनरी खरीदी, क्या खरीदी, मशीनरी। ठीक है, उसकी टोटल अमाउंट कितनी थी, टोटल अमाउंट थी 250,000। स्क्रैप वैल्यू है उसकी 50,000। एस्टिमेटेड एक्सपायरी लाइफ ऑफ द एसेट्स इज इक्वल टू 10 years। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स। ठीक है, तो टोटल अमाउंट 250,000, स्क्रैप वैल्यू 50,000, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितने बच जाएंगे, 200,000, और इसको डिवाइड कितने से कर देंगे, 10 से, तो यानी कि 20,000। यानी कि एवरी ईयर हम कितना अमाउंट राइट ऑफ करेंगे PNL में से डेप्रिसिएशन के लिए, 20,000 रुपये हम हर एवरी ईयर हम क्या कर देंगे बेटा, राइट ऑफ कर देंगे डेप्रिसिएशन को। आया आपको SLM मेथड समझ में। अब देखिए इसकी कुछ मेरिट्स है और कुछ डिमेरिट्स है, वो डिस्कस करते हैं हम। मेरिट्स देखिए, सबसे पहले मेरिट्स में सिंप्लिसिटी, बहुत ही सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पुट करना है, हमारा डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ डेप्रिसिएशन बर्डन। अब देखिए इसके अंदर जैसे हमने एग्जांपल लिया कि 20,000 हमारा डेप्रिसिएशन है, एवरी ईयर हमें इसी अमाउंट को राइट ऑफ करना है, तो इसका इक्वल डेप्रिसिएशन बर्डन होता है बिजनेस के ऊपर कि हमें भाई 20,000 रुपये डिडक्ट करके दिखानी है बस। ठीक है, एसेट्स कैन बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ, एसेट्स को क्या कर सकते हैं हम, कम्प्लीटली राइट ऑफ कर सकते हैं, सेम अमाउंट डेप्रिसिएशन की होती है, तो जैसे जैसे उसकी ईयर्स
होते चले जाएंगे तो उसकी अमाउंट भी क्या आ जाएगी बेटा, जीरो निकल के आ जाएगी। ठीक है, नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन, इससे हमें क्या पता चलता है कि एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है। और जैसे कि हमें एसेट्स को यूज करते हुए 5 साल हो गए, तो आज के टाइम में हमें पता चल जाएगा कि हमारा एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन कितना हमने अब तक लगाया है। तो अप टू डेट डेप्रिसिएशन निकल के आता है इसके अंदर। ठीक है, किसके अंदर? SLM मेथड के अंदर। अब इसकी कुछ मेरिट डीमेरिट्स भी हैं, देखिए डीमेरिट्स देखते हैं। डिफ़िकल्टी इन कंप्यूटेशन, देखिए अगर हम एक ही मशीन के ऊपर SLM मेथड का यूज़ करते हैं तो वो बेटा बहुत इजी हो जाता है, सरल हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होती है, कंपनी में बहुत सारे एसेट्स होते हैं जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना होता है, और उनकी बेटा एस्टिमेटेड लाइफ भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। जब उस टाइम पे हमें क्या हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है इस मेथड को लागू करने के लिए। ठीक है, अगर एक ही एसेट्स है तो बहुत ही सिंपल है, अगर एसेट्स हमारे 2 से ज़्यादा हैं, अगर हमारे 2 से ज़्यादा एसेट्स हैं तो वहाँ पर ये मेथड काम नहीं करेगा। अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम, इनकम के ऊपर बेटा देखिए अगेंस्ट चार्ज होता है, इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में मशीनरी हमारी अच्छी काम करेगी, उस पर खर्चा भी कम होगा, लेकिन जैसे जैसे उसका लाइफ आगे बढ़ती जाएगी मशीनरी की, तो बेटा उसमें हमारा जो एक्सपेंसेस होगा वो भी ज़्यादा, टूट फूट ज़्यादा होगी, इसमें ज़्यादा खराबी होगी, उसको ठीक करवाने के लिए ज़्यादा अमाउंट हमें लगानी पड़ेगी। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि अनइक्वल चार्ज हो जाएगा अगेंस्ट, कि हम बराबर बराबर तो अमाउंट ले रहे हैं हर साल, लेकिन स्टार्टिंग ईयर में हमारे उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस लगता है मशीनरी के ऊपर, एक्सपेंसेस जो हम लगाते हैं स्टार्टिंग ईयर में वो कम होता है, लेस होता है, और जैसे जैसे ईयर्स आगे चलते जाते हैं तो हमारी एक्सपेंसेस क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। जैसे हम अपनी एज से लगा के मान लीजिए, अभी हम बच्चे थोड़े बड़े होंगे तो हम मस्त फूट रहते हैं, जैसे जैसे हमारी एज ग्रो, हमारे अंदर बीमारियाँ उत्पन्न शुरू हो जाएगी, हम अपने मेडिकल के ऊपर ज़्यादा रुपये लगाएंगे। ऐसे ही बेटा एसेट्स के साथ होता है कि जैसे जैसे उसका लाइफ टाइम आगे जाता जाएगा उसके अंदर एक्सपेंसेस भी क्या लगाते जाएंगे, ज़्यादा लगाते जाएंगे, इसलिए डेप्रिसिएशन इसके ऊपर क्या हो जाएगा, अनइक्वल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर्स, ऐसे ये दोनों सेम एक ही तरीके से है, देखिए बेटा अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर, वही बात है कि स्टार्टिंग में हमें मशीनरी का हम ज़्यादा यूज करेंगे। ठीक है, ज़्यादा यूज करेंगे वो अच्छी रहेगी, स्टार्टिंग में हम नई मशीनरी लाई वो काम भी अच्छा करेगी, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगाना चाहिए, और बाद के ईयर्स में कम लगाना चाहिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन उस टाइम वो काम करना भी कम कम देती है और उसके ऊपर एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो बाद में हमें डेप्रिसिएशन कम लगाना चाहिए और पहले डेप्रिसिएशन क्या करना चाहिए, ज़्यादा लगाना चाहिए। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, इस मेथड के अंदर बेटा हम इंटरेस्ट रेट को हम कहीं कंसाइडर ही नहीं करते हैं। अनरियलिस्टिक टू रिटर्न ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स टू जीरो, देखिए इस मेथड के अंदर हम क्या कहते हैं कि हमारी एसेट्स की जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता। अकाउंट्स के अंदर, बुक्स के अंदर तो हम ये शो कर देते हैं कि एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई है, जीरो हो गई है, लेकिन रियल में बेटा तब भी हम उसका यूज़ कंपनी में करते रहते हैं, इसलिए ये इसकी डिमेरिट्स हो जाएगी कि अनरियलिस्टिक टू रिटर्न ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स टू जीरो। डिफ़िकल्टी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्क्रैप वैल्यू, देखिए अब हमें पता है आज हमने मशीनरी खरीदी, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 साल बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या होगी, हम वो अंदाज़ा बेटा नहीं लगा सकते, इसलिए डिफ़िकल्टी होती है कि स्क्रैप वैल्यू को हम कैसे फाइंड करें। ठीक है, अब देखिए सुटेबिलिटी, कि ये सुटेबल कहाँ होता है, SLM मेथड हमारा कहाँ पर सुटेबल होता है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर दोज एसेट्स हुज यूजफुल लाइफ कैन बी एस्टिमेटेड, जिसकी हम लाइफ क्या होती है वो एस्टिमेट कर सकते हैं एक्यूरेटली, एंड विच डू नॉट रिक्वायर मच एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, यानी कि ये मेथड वहाँ पर सूटेबल होता है जहाँ पर हमारी, हम उसकी एस्टिमेटेड लाइफ को अच्छे से पहचान पाते हैं और जिसके ऊपर बेटा हम रिपेयर्स का खर्चा भी क्या करते हैं, कम करते हैं, वहाँ पर ये मेथड हमारा क्या होता है, सूटेबल होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया SLM मेथड क्या होता है, उसकी मेरिट्स क्या होती है, डीमेरिट्स होती है। आइए अब इसका हम देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीट, तो आइए बेटा देखते हैं हम कि हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है SLM मेथड के अंदर। देखिए जब हम एसेट्स को परचेज करते हैं, एसेट्स को परचेज करेंगे तो एसेट्स क्या हो जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, या कैश में पेमेंट करते हैं टू बैंक आ जाएगा। ठीक है, या बैंक से ट्रांसफर, अगर हम उधार खरीदते हैं किसी एसेट्स को तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, वेंडर का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री तो क्या हो जाएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक
या फिर वेंडर आ जाएगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड अगर बेटा आपने परचेज करी है तो ये एंट्री आ जाएगी। अगर हम उसको एसेट्स को सेल करेंगे तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो देखिए थर्ड एंट्री क्या है, अमाउंट रिलाइज ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो सेल करेंगे तो एसेट्स को ये एंट्री क्या हो गई बेटा, रिवर्स हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एसेट्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो दो एंट्री आपस में रिलेट करती है, देख लीजिए आप। परचेज के टाइम क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर वेंडर। सेल के टाइम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ठीक है। प्रोवाइडिंग डेप्रिशिएशन, जब हम डेप्रिशिएशन लगाएंगे, डेप्रिशिएशन अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और एसेट्स क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ठीक है। जब हमने एसेट्स को सेल किया उसमें अगर हमारा लॉस हो जाता है, इन केस ऑफ लॉस हो गया तो क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट। देखिए पीएनएल अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, जब हम कंपनी से रिलेटेड अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे तो लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, अदरवाइज क्या लिखेंगे, पीएनएल अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। जब लॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा क्रेडिट। प्रॉफिट के केस में एंट्री रिवर्स हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है बेटा। आपको आया समझ में एसएलएम मेथड क्या होता है, उसकी मेरिट्स, उसकी डीमेरिट्स, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, ठीक है। ये रही सारी एंट्रीज, आप इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड बेटा एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा कि इसको हमको अकाउंट कैसे प्रिपेयर करनी है, एंट्री ये कहाँ पे यूज़ होंगी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपना आप मुझे टॉपिक बता सकते हो। इसके अलावा मुझे अगर आपको कुछ और टॉपिक कराना चाहिए तो मैं वो टॉपिक करवाऊँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।